हम पे जो गुजर गए किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। एक्चुअली हमारे ऑफिस में एक लड़की जॉब करती है, सारा सारा असगर अली। मुझे पता चला है कि वो इससे पहले आपके ऑफिस में जॉब करती थी। उसके बारे में भी कुछ जानना था मुझे। इस बात का फैसला मैं बहुत पहले ही कर लिया, लेकिन बच्चों की वजह से 10 मिनट में दम घुटने लगता है। सरफ़राज़, ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगती? शीना प्लीज, मुझे मेरी पिछली जिंदगी का ताना तो मत। मेरे आज पर यकीन करो, इस वक्त मैं तुमसे जो कुछ भी कह रहा हूं यही मेरी जिंदगी का सच है। मैं बहुत जल्द इस औरत से पीछा छुड़ा लूंगा, उसके बच्चों से भी, लेकिन प्लीज इसके लिए मुझे और वक्त और दे दो मेरी जान। प्लीज ट्रस्ट मी। आपने मिलने का कहा था मुझसे, मैं आपके ऑफिस आ रही हूं। नहीं, आप हम ऑफिस में नहीं मिल सकते, हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। मैं बाहर नहीं आऊंगी। आपके ऑफिस आ रही हूं। मैं एक्चुअली चाहता हूं, एक्चुअली मैं आपके ऑफिस में ही आपसे मिलना चाहती हूं। मुझे किसी और से भी मिलना है। और किससे मिलना है आपको? सारा से। सारा से क्या काम है आपको? मेरा मतलब है, उसका एक कर्ज है मुझ पर, बस वो चुकाना है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं। इस वक्त आप मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा वक्त लें, हम बाद में मिलेंगे। टेक योर टाइम। मुझे आज ही मिलना है। पता नहीं फिर वक्त हो ना हो। क्यों शीना, आप मुझे मिलने के लिए वक्त दे रही हैं, लेकिन मैं आपको अपने ऑफिस में वेलकम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हम कहीं भी बाहर मिल सकते हैं, आप जहां कहेंगी मैं वहां आ जाऊंगा। और अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं कहूंगा इट्स ओके। नहीं करूंगा तो सारा के बारे में इंफॉर्मेशन किससे लेंगे? कोई और सोर्स है? मैं सरफराज के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं। मिस्टर दानियाल, सरफराज के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। आप सारा और सरफराज के बारे में जानना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप आ जाइए, बाहर मिल लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू।
अक्सर ऑफिस में तुम्हें उससे बात करते हुए देखा है और साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। ये तो उसे पता होगा दानियाल कि वो ऐसा क्यों करती है। मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता उसके बारे में। क्यों, तुमने कभी बात फील नहीं की? नहीं। कोई बात हुई है क्या? दानियाल खुलकर बात करो। यहां से पहले तुम्हारे ऑफिस में जॉब करती थी। वहां इनका बिहेवियर कैसा था? ऐसे ही बिहेव करती थी? ज्यादा से काम नहीं किया उसने, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। दानियाल भाई, होपफुली आपने उस लड़की से बात नहीं की होगी। तो मैंने सोचा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप हमेशा मुझसे कहते थे बात कर लेनी चाहिए, इंसान डिलेमा में नहीं रहता। Are you serious भाई? कौन है वो? कहाँ रहती है? आप मुझे मिलवाएं कौन से? मिलवा दूंगा, पहले मैं खुद तो बात कर लूं उसे। ये दानियाल भाई तंग नहीं करें, नाम तो बताएं उनका। सारा। बहुत प्यारा नाम। खुद कैसी है वो? कोई पिक्चर है आपके पास? अरे मेरे पास पिक्चर कहाँ से आ गई? लेकिन ट्रस्ट मी, उसके जाहिर और बातिन में इतना हुस्न है कि किसी की भी जिंदगी को हसीन बना दे। तुम अब पक्का मुझे उनसे मिलवाएंगे? जब वक्त आएगा मिलवा दूंगा। बैठो तो सही। पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं आप? हाँ। बहुत जल्द मिलवाएंगे मुझे उनसे। हाँ, जब वक्त आएगा मिलवा दूंगा। ठीक है। आपने उस लड़की से बात की? बात तो रोज होती है उससे, आखिर एक ही ऑफिस में काम करते हैं साथ। यार दानी भाई तंग नहीं करें, आपको पता है मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ। नहीं, अभी तक मैंने उससे ऐसे कोई बात नहीं की। अभी तक आपने बात नहीं की? आपने क्यों बात नहीं की? मैं करूंगा, चल करूंगा। वही तो पूछ रही हूँ, कब करेंगे? जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो इनकार नहीं करेगी। यार हद करते हैं दानियाल भाई आप। आप जब तक बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? आप ना आज ही बात करेंगे, बल्कि आप अभी फोन करें। बात तो गलत नहीं है, जब तक बात नहीं होगी तब तक ये टेंशन तो रहेगी। सर आपने, अरे प्लीज 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 बैठिए। आप
आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी सर, कहें। आई होप आप मेरी बात को समझ सकेंगी। आप ठीक हैं? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये यही पूछा था मुझे आपसे, क्या ठीक तो है ना? जी सर, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। थैंक यू। जरूर दानियाल सर को सरफराज से बात पता चली गई है, और मुझे लगता है कि वो मुझसे इस बारे में बात भी करना चाहते हैं। आई थिंक मुझे इनसे खुद बात कर लेनी चाहिए। वो जो कुछ भी था उसमें मेरा कसूर ही नहीं है। जब कसूर नहीं है तो मुझे इस तरह घबराना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो ही ना हो, तो सरफराज ने अगर मेरे बारे में कोई बात ही ना की हो तो बता दूं कि कल तक जो एक साथ हम काम किया करते थे, एक ही प्रोजेक्ट पर साथ में मीटिंग्स किया करते थे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जिससे जो कहना है कहो, अब मुझे इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। गलती मेरी नहीं थी तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है। गलती आपकी थी, आप डरे। क्या दानियाल ने तुम्हारे कहने? ये तुम्हारा मसला नहीं है। और अगर अब मुझसे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मैं सर दानियाल को अभी जाके बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि देखें आपके ऑफिस में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी क्या पता सर दानियाल के लिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट ही ना हो। अगर उन्होंने सोचा कि मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूं तो नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत ही नहीं है। शीना, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं प्लीज, आके बात करती हूँ। हाँ पर जा कहाँ रही हो? ऑफिस के काम से जा रही हूँ। काम पर? पर मैंने तो तुम्हें रिजाइन देने को कहा था ना। तुम आज ऑफिस जा रही हो? शीना प्लीज, इस महज से बाहर आओ। महज से बाहर निकलने के भी कुछ तरीके होते हैं।
जान छुड़ाने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। मुझे वो फॉलो करने दो। क्या मतलब है? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मसला क्या है? मैं वापस आके बात करती हूँ, प्लीज लेट हो रही हूँ। शीना, याद आ रही है मुझे उसकी, याद आ रही। सरफराज की? सारा की? सारा? कौन सारा? जॉब डिजर्व करती है। नहीं सर, ये यही जॉब ठीक है मेरे लिए। अगर मैं आपको इससे बेहतर जॉब ऑफर करूं तो आपका जवाब क्या होगा? एक्चुअली हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हेड की जरूरत है और आई बिलीव कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सॉरी सर, लेकिन मैं ये कर सकती। आप यहाँ निम्रा के रेफरेंस से आई थी ना? उसने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया, आपकी क्वालिफिकेशंस और आपके अचीवमेंट्स। ये आपका नया अपॉइंटमेंट लेटर है। अगर आप इसे कबूल करेंगे तो मुझे खुशी होगी। सर, मेरी तरफ से सारा काम कंप्लीट है, बस वो सरफराज साहब की ईमेल का वेट कर रही हूँ। वो जैसे ही मुझे ईमेल करेंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने किसी और को साइन कर दिया। अब आपको सरफराज साहब से, उनकी कंपनी से कोई डील नहीं करनी पड़ेगी। जी ठीक है सर, जिस तरह आपको ठीक लगे। And I hope के आपको इस पर कोई इतराज नहीं होगा। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी सर, क्या है? आई होप आप मेरी बात को समझ सकेंगी। ठीक है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये पूछ रहा था मुझे आपसे, क्या ठीक तो है ना? क्या बात इतनी ही सीधी है जितनी मुझे लग रही है? यहाँ कुछ और भी है, ऑफिस में और लोग भी तो हैं जो काम कर रहे हैं और मुझसे तो कई साल पहले से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी ने अभी भी कुछ मुझसे इम्तिहान लेने हैं? या अल्लाह, अब नहीं, अब और कुछ नहीं प्लीज। क्या कहें?
हेलो, मैं बस जा रही थी घर, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बॉस पूछे तो उनको बता दीजिएगा। थैंक यू। दुरैया, दुरैया जी, वो पैसे दे दे मुझे, बैंक में रखवा दूं, वापस करो मेरी अमानत। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, पैसे निकालो ना, मुझे बैंक में रखवाने हैं। पैसे तो नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है जहाँ रखे थे वहाँ पैसे नहीं है अम्मा। क्या मतलब है पैसे नहीं है? अरे इधर ही होंगे, तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता, चलो निकाल के दो। ढूंढो ठीक तरह से, इसी में अलमारी में ही होंगे ना, चलो ना, क्या कर रही हो, चलो। अरे देखो गौर से, अब पीछे पीछे हटो। कहाँ चले गए पैसे, कहाँ गए? मुझे बताओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए जहाँ से मर्जी लाके, मैं अपनी रकम कैसे छोड़ूं? कहाँ है पैसे? क्या हुआ है? आप रुमाना अलमारी में से पैसे गायब हो गए, खुदा जाने कहाँ चले गए। हाँ पैसे तो मेरी अलमारी में से भी गायब है। कितने पैसे थे? वो कमेटी के पैसे थे, सारे गायब हो गए। या अल्लाह रहम, ये क्या हो रहा है? तुम्हारा किसने की होगी हमारे घर से ये चोरी? क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कह सकती हूँ पापा, इस तरह किसी पे इल्जाम तो नहीं लगा सकती ना। अम्मा, अम्मा शायद मुझे पता है ये हरकत किसकी हो सकती है। अरे पता है तुम उसे पूछ ना, कौन है बताओ। जाहिर सी बात है, घर में चोरी हुई है तो घर का तो कोई बंदा नहीं करेगा ना, वो ही करेगा ना जिसका इस घर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दुरैया, अरे उसे बोलने तो दो रुमाना, अगर वो कुछ कह रही है तो उसे कुछ पता ही होगा ना, तभी तो बोल रही है। बोलो बेटा, किसी से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो बात है वो साफ साफ बता दो। मैंने सारा को देखा था खाला के कमरे से निकलते हुए, जब खाला नमाज पढ़ रही थी। खैरियत, जल्दी वापस आ गई आज? आज नहीं था काम ऑफिस में, इतनी जल्दी वापस आ गई। इत्तेफाक की बात है, मैं भी आज इसी वजह से जल्दी वापस आ गई। देखो तो सही, हमारी तो नेकी हमारे गले पड़ गई, बहन हमारी किस्मत में कोई भी सुकून क्यों नहीं है? दुरैया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बेटा, तुम्हारे पास क्या सबूत है बेटा कि चोरी सारा ने की है?
अरे भाई सबूत की इसमें क्या बात है, उसने सारा को देखा ना तुम्हारे कमरे से निकलते हुए, तो उसे शक हो गया। शक तो हो सकता है ना किसी पर भी। जी शक की ही बात है ना, तो शक सिर्फ सारा पे ही क्यों किया जा रहा है? हर दफा उस बच्ची को ही क्यों कटेरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है? शक तो मुझ में भी हो सकता है ना, हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ, शक तो आप में भी किया जा सकता है। दुरैया पे शक क्यों नहीं किया जा रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा मतलब ये है कि दुरैया ने चोरी की है, मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम लगाने वाली तो कोई बात ही नहीं की है मैंने, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि घर के हर फर्द पे अगर शक करना है तो सब पे किया जाए ना, सिर्फ सारा पे ही क्यों? और मैंने सिर्फ दुरैया का नाम तो नहीं लिया ना, अपना नाम भी लिया है, आपका नाम भी लिया है। आपको सिर्फ दुरैया का नाम लेने पे एतराज क्यों है? क्या हो रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा, जाओ बेटा। क्यों 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 कुछ नहीं हो रहा? अब बताओ ना, अब लगाओ मेरी बेटी पर इल्जाम कि उसने घर से पैसे चोरी किए हैं, अब कैसे कुछ नहीं हो रहा? पापा आप बात को बढ़ा रही हैं। मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया है। तो तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा भी कैसे सकती हो? अरे तुम सारा को बचाने के लिए अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही हो? वाह रोमाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो खाला से सास बनने में जरा सी देर भी नहीं लगाई, मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। खाला जान अपनी लड़ाई में सारा को मत घसीटिए प्लीज। जितना मैं जानता हूं उसे, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगी। अच्छा तो वो नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है साफ साफ कि ये दुरैया चोर है, यही कहना चाहते हो तुम? तुम लोग सारा पर यकीन कैसे कर सकते हो? क्या भूल गए हो कि कैसे सारे खानदान की आंखों में धूल झोंककर उसने क्या तमाशा लगाया था? खालाजान प्लीज बस कर जाइए, कब तक पुरानी बातें याद करती रहेंगी आप? कब तक उसी बात का ताना मिलता रहेगा उसे? आज तक किसी को यकीन नहीं हुआ कि सच भी थी या कोई धोखा या झूठ। क्या कहे ना कहे हम जिए ना जिए, मरते हुए हम जिए गए, इस तरह चुप लगी कर दिए गए। प्यार का जो रंग था दिखाई वो दिया नहीं, जाने क्यों कहीं ये दिल लगा नहीं। हम पे जो गुजर गई किसी से कुछ कहा नहीं, क्या कसूर था ये कुछ पता नहीं। ये दर्द जो से आया है ये
ऑफिस के लिए बहुत जरूरी होता है कि वहां पर जो लोग काम करते हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, और मेरी मदर ने भी हमारे ऑफिस में जिस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट और क्लियर पॉलिसी बनाई थी वो हरेसमेंट थी। और मैं इस हवाले से आपसे बात करना चाहता हूं। इसका मतलब है सरफराज अब ही सारा को हैरेस कर रहा है। अभी क्या मतलब इस बात का? आपको नहीं पता कि हमारे ऑफिस में उसके साथ क्या हुआ था? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। लंबी कहानी है। और ये कहानी मेरी बेवकूफी से शुरू होती है। लेकिन वो तो उससे मोहब्बत करती थी। शादी करना चाहती थी। पता है मिस्टर दानियाल, हमारे मुल्क में ना शादियों को मोहब्बत को बहुत फैंटेसाइज कर दिया जाता है। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी का वाहिद मकसद बस ऑपोजिट जेंडर की मोहब्बत हासिल कर लेना है। और हम जैसी लड़कियों के लिए सिर्फ लड़कों की थोड़ी सी तवज्जो और झूठी तारीफ ही काफी होती है। मोहब्बत पाने का जुनून इतना अंधा कर देता है कि हम जैसी लड़कियों को समझ ही नहीं आता मोहब्बत और हैरेसमेंट के बीच का फर्क। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं समझ ही नहीं सके कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो हनी ट्रैप था। उसकी उसकी मोहब्बत पाने के लिए इतनी अंधी हो गई मैं फंसती चली गई। मैं सारा के साथ भी बहुत गलत कर गई। बहुत ज्यादा गलत। क्या गलत किया सारा के साथ? अगर आप बताने में कंफर्टेबल नहीं है तो बेट, आप समझे इस बारे में हमारी बात ही नहीं हुई। नहीं नहीं, ये तो मेरी लक है कि आप मुझे कन्फेशन का मौका दे रहे हैं। मैंने सारा से भी बात करने की कोशिश की थी मगर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। सही किया उसने, उसे नहीं करनी चाहिए मुझसे बात।
इस काबिल ही नहीं हूँ। शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए उसे मेरी। उसकी पहली जॉब थी हमारे ऑफिस में, सरफराज की नजर पड़ गई थी उस पर। मुझे बहुत जलसे हुई, बहुत हसद में आ गई मैं। सरफराज पे बस नहीं चला मेरा तो इस लड़की के पीछे पड़ गई। मुझे लगा गरीब लड़की है, आसानी से दब जाएगी। छोटे घर की बहुत बड़ी लड़की, उसका बाप कपड़े सीता था, उस लड़की को अपना दुपट्टा संभालना आता था। काम की जगहों पे ऐसी हरकतें, इस तरह हरास करना, आप भी कुछ कर ही नहीं सकते। क्या करेंगे आप? क्या मतलब? आपने अभी कहा कि हरासा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी अम्मा को कहते सुना था कि मर्द ख्वातीन को इस वजह से भी हरासा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कुछ ख्वातीन ये सोचती हैं कि हरासा करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज। नहीं सर, कुछ नहीं।